स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पावर ग्रिड यानी कि पावर कॉर्पोरेशन ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में आई हुई नई वैकेंसी के बारे में, जहां पे दोस्तों ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो सारा डिटेल जो है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करते हैं तो वहां पे आपको बाकी जो रिटन डिस्क्रिप्शन है वो मिल जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पे अगर इसके एडवर्टीजमेंट की बात किया जाए तो यहां पे डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए जो है वैकेंसी निकल रखी है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यहां पे अगर आपका हायर क्वालिफिकेशन है तो आप यहां पे एलिजिबल नहीं है। यहां पे सिर्फ डिप्लोमा के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सिविल और इलेक्ट्रॉनिक के कैंडिडेट जो हैं यहां पे एलिजिबल है। तो पावर ग्रिड के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि दोस्तों ये कैसी कंपनी है, यहां पे किस प्रकार की फैसिलिटीज जो है आपको दी जाती है। तो यहां पे चले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो वैकेंसीज आई है वो रीजन्स वाइज आई है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे नॉर्दर्न रीजन 2, तो यहां पे स्टेट दिए गए हैं दोस्तों। तो आप जो है रीजन के अकॉर्डिंग जो है इस पोस्ट को फिलअप करेंगे। अब यहां पे दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो एज लिमिट कितनी रखी गई है। तो यहां पे दोस्तों 18 से 27 साल के कैंडिडेट जो है फॉर्म को यहां पे फिलअप कर सकते हैं। ब्रांच दोस्तों यहां पे अगर आप इलेक्ट्रिकल के लिए फिलअप कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, पावर इंजीनियरिंग कैंडिडेट जो है इलेक्ट्रिकल के लिए एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक के लिए दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, सिविल के लिए जो है सिविल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट। ध्यान रखिएगा आपके जो डिप्लोमा है उसमें जो है 70% होना जरूरी है। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग मैंने बताया कि यहाँ पे बीटेक, एमटेक और एमई के कैंडिडेट जो है एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए। सिर्फ डिप्लोमा वाले कैंडिडेट जो है यहाँ पे फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जो है अप्लाई कर लीजिए। और नंबर ऑफ वैकेंसी अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज, तो आपको उसके रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे सैलरी कितना दिया जा रहा है, क्या पैकेज है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्टार्टिंग में जो है आपको यहाँ पे एक साल के लिए ट्रेनिंग में रखा जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान दोस्तों आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा और यहाँ पे जो स्टाइपेंड का पैसा है वो 27,500 पर मंथ जो आपको एक साल के लिए यहाँ पे दिया जाएगा। इसका दोस्तों जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होता है तो आपका जो है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे जो है यहाँ पे आपको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जिसका स्केल पे जो है अगर पे स्केल देखा जाए तो यहाँ पे 25,000 से लेके 1,17,500 तक जो है यहाँ पे बेसिक पे रखा गया है। इसके साथ साथ दोस्तों बाकी जो फैसिलिटीज़ है जैसे कि डीआरए अलाउंस, इसके साथ साथ दोस्तों परफॉर्मेंस अलाउंस, कंपनी क्वार्टर्स, एचआरए वगैरह जो है आपको कंपनी की तरफ से यहाँ पे दी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आज के एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो दोस्तों इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर है, आप कौन सा रीजन सेलेक्ट करते हैं उस पर जो है आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो है डिपेंड करेगा। जैसे कि मान लीजिए आप नॉर्दर्न रीजन 1 सेलेक्ट करते हैं, जहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिल्ली के कैंडिडेट एलिजिबल है, तो वहाँ पर दिल्ली पर जो है एग्जामिनेशन सेंटर होगा। तो आपके रीजन पर डिपेंड करता है कौन सा रीजन आप सेलेक्ट करते हो एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। अब यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर है दोस्तों, उसमें जो है आपका पहले रिटन टेस्ट होगा, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन दोस्तों आपका जो पेपर है रिटन टेस्ट का, उसमें जो है दो पार्ट होंगे, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन दोस्तों पूरा टेक्निकल होगा, पार्ट टू जो है नॉन टेक्ट है। तो पार्ट वन में दोस्तों आपके डिसिप्लिन से जो है 120 क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे और पार्ट टू जो है दोस्तों 50 क्वेश्चंस, जिसमें दोस्तों आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश और यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे जो पेपर का जो ड्यूरेशन है कितना समय है, तो इस पेपर को पार्ट वन और पार्ट टू दोनों मिला के आपको जो है 2 घंटे में जो है पेपर यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा गया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, तो उसमें जो है जनरल्स और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 30% रखा गया है ईच पार्ट में। जैसे कि पार्ट वन में आपको मिनिमम जो है 30% लाना है और पार्ट टू में दोस्तों आपको यहाँ पे 30% लेके आना है और दोनों का जो एग्रीगेट होना चाहिए दोस्तों वो 40% होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार अदर कैटेगरी के लिए 25% पार्ट वन और पार्ट टू में, और दोनों जो है दोस्तों एग्रीगेट की बात की तो 30% यहाँ पे रखा गया, तभी जो आपके यहाँ पे जो फर्दर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है, ये आपको मतलब अगर आप यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हो तो आप जो है यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होते हो। अब यहाँ पे दोस्तों 300 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो 300 एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। अगर आप एससी एसटी और बाकी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है रखा गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे। जैसे आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का प्लेटफॉर्म खुल के आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे ही ये प्लेटफॉर्म खुल के आएगा तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हियर टू अप्लाई का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो एक नई वेबसाइट जो है खुल के आएगी, जहाँ पे दोस्तों आपसे जो भी इन्फॉर्मेशन पूछी गई है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको फिलअप करना है और फॉर्म को फिलअप कर लेना है।
तो इस प्रकार दोस्तों आप यहाँ पे पावर ग्रिड यानी कि PGCIL के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर कुछ और भी आपके डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, नई वैकेंसी के अपडेट के साथ। आज के लिए बस इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।